डरावनी रातें YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम क्या है, मैं कहां पर रहता हूं, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है मेरी ये कहानी, और इस कहानी के अंत तक आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों अपना नाम और एड्रेस बताना नहीं चाहता। तो उस शाम मैं उस होटल से बाहर निकला था जहां का मैं ड्राइवर था। मेरा काम था यहां के जितने भी कस्टमर हैं उन्हें घर तक छोड़कर आना। कई बिल्कुल खुफिया रहना पसंद करते थे, अपना नाम तक नहीं बताया करते थे, और मेरा काम था उन्हें घर तक छोड़कर आना। और मैं गाड़ी में बैठता, ये बड़ी सी लिमोजीन थी जिसकी ड्राइविंग सीट पर मैं बैठ जाता, उनसे बात तक नहीं करता, बस सर झुकाता और गाड़ी चलाने लगता। कई बार मुझे गाड़ी काफ़ी दूर तक चलानी पड़ती, कई बार दो दो तीन तीन दिन तक मुझे लगातार गाड़ी चलानी पड़ती। मेरी तनख्वाह काफ़ी अच्छी थी, फिर भी काम मुश्किल भरा था, लेकिन मैंने सोचा हुआ था काफ़ी साल ये काम करूँगा, फिर ढेर सारे पैसे कमा लूँगा, फिर मैं इन अमीरों की तरह ही अमीर बन जाऊँगा। बस इसके लिए मुझे काफ़ी समय तक ये काम करना था। लेकिन कई बार ऐसे कस्टमर इस होटल में आया करते थे जो बहुत ज़्यादा अकड़ू हुआ करते थे, और इस बार भी वो अकड़ू मुझे बहुत परेशान कर रहा था। बार बार मेरी तरफ घूरे जा रहा था। जब भी मैं उसके लिए खिड़की खोलता उस कार की, वो बाहर खड़ा होकर सिगार पीने लगता और मेरी तरफ वो धुएं के छल्ले फेंकने लगता। पिछले 3-4 महीनों से वो जब भी यहाँ आया करता था, जैसे मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा रहा करता था। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन उसे जैसे मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया करता था किसी खास कारण के कारण। फिर मैं उससे जैसे नज़रें नहीं मिलाता, सर झुकाए रखता। अगर कोई कस्टमर आपकी कंप्लेंट कर दे तो यहाँ काम से निकाल दिया जाता है। बहुत बड़ा और महंगा होटल है ये। मैं बस नज़रें झुकाए रहता और वो सिगार पीता रहता। बार बार वो गाड़ी के करीब आता, मैं खिड़की खोलता, वो फिर से पीछे हो जाता। वो बार बार मेरी बेइज्जती किया करता था। वो अय्याश था। कई बार 3-4 लड़कियों को लेकर वो इस लिमोजीन में बैठता था और कई गंदी गंदी हरकतें किया करता। मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ थी, और एक बार उसने लगभग 20-22 साल के एक लड़के को किडनैप इसी गाड़ी में किया था। कई खास रूल थे जो हमें फॉलो करने पड़ते थे, और मैं कुछ कर नहीं सकता था। इस गाड़ी से उतार कर उसने एक बिल्कुल वीरान सी जगह पर लोहे की रॉड से उसे इतना पीटा था कि उसके शरीर से खून बहे जा रहा था। और इसके जितने भी साथी इसके साथ हुआ करते, वो ऐसा कोई क्राइम ही करते। मैं तो ड्राइवर था, बस चुपचाप मुझे गाड़ी चलानी पड़ती। लेकिन चीखों की आवाज़ जो कभी लड़कियों की होती, कभी लड़कों की होती, और हर बार उन्हें ये ऐसे पीटता था जैसे जानवर को पीटा जाता है। इस बार भी वो गाड़ी के पास इसी तरह सिगार पिए जा रहा था, मेरे मुंह पर छल्ले मारे जा रहा था। मैं नज़रें झुकाए उस पर गुस्सा तो कर रहा था, लेकिन काबू किए हुए था। उसके बाद 3 लड़कियां उस गाड़ी में बैठी, वो भी उस गाड़ी में बैठ गया। इसके बाद 4 और उसके साथी आए गाड़ी में बैठे और उन लड़कियों को मारने लगे। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अमीरों को इतने अजीब शौक होते हैं। उसे पीटने का शौक था बेवजह। जो भी लड़की उसके करीब आती, वो पैसों का रूप दिखाकर उसे पीटता। उसे खून निकलता देखना पसंद था, और मैं बार बार गाड़ी के उस आईने से पीछे देखने की कोशिश कर रहा था, और पिटती हुई लड़कियां जिनकी आंखों से खून निकल रहा था मुझसे देखा नहीं जा रहा था। बार बार मैं घबराए जा रहा था। बस इस आदमी के कारण मुझे अपने काम से घिन आती थी। बाकी सब अमीर अकड़ू होते हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें कोई नहीं करता। इस बार मेरा ध्यान उस आईने की तरफ था और हम पहाड़ी इलाके में जा रहे थे। उन लड़कियों की चीखें बार बार मेरी आंखें बंद करवा देती, और मैं कहता, भगवान क्यों इन्हें इतना दर्द दे रहे हो। लेकिन पहाड़ों पर आंखें बंद नहीं करनी चाहिए।
गलती से ही मैंने आंखें बंद की और पीछे लड़कियों के चीखने की आवाज आ रही थी, गाड़ी उस पहाड़ी से खिसक गई और मैं देख रहा था। समय धीमा हो गया था, पहाड़ी इतनी ऊंची थी और सीधी गाड़ी नीचे उस नदी की तरफ जा रही थी। वो गाड़ी इतनी तेजी से जाकर टकराई थी नीचे कि वो धमाके की आवाज कानों को सुनाई दी थी और आंखें बंद हो गई थी। दर्द सा महसूस हो रहा था, गर्मी सी महसूस हो रही थी और दिमाग को ये भी पता था बचूंगा नहीं। उसके बाद आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग तो चल रहा है, आंखें, कान, शरीर काम नहीं कर रहे। बस मैं हिलने की कोशिश कर रहा था और अंधेरा ही नजर आ रहा, गर्मी ही महसूस हो रही। उसके बाद एक सफ़ेद सी रोशनी, जैसे मैं किसी टनल के अंदर जा रहा था। वो सफ़ेद रोशनी मेरी आंखों में पड़ना शुरू हो गई और इतनी तेज़ रोशनी थी कि मेरी आंखें चुंधियाए जा रही और मैं पलकें तक बंद नहीं कर पा रहा था। ऐसी रोशनी कभी महसूस नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज मेरे सामने आ गया हो। वो रोशनी दिमाग को दर्द सा दे रही थी, लेकिन फिर भी मैं आंखें ना हटा पा रहा ना बंद कर पा रहा। उस रोशनी को धीरे धीरे महसूस करता गया तो वो रोशनी कम होती गई। जैसे अंधेरे से आप रोशनी में पहुंचते हैं, आंखें चुंधियाई होती हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर भी जैसे आंखें चुंधियाई थी, सिर्फ रोशनी नजर आ रही थी। धीरे धीरे मुझे नजर आने लगा और मैं महसूस कर पा रहा था मैं एक अजीब सी जगह पर था। लाल मिट्टी थी यहाँ पर और मैं लेटा हुआ था, आसमान की तरफ देख रहा। आसमान पूरी तरह से सफ़ेद, सूरज नहीं था कहीं पर, बस लाल रंग की, नीले रंग की रोशनी नीचे की तरफ पड़ रही। फिर मैं उठा और जब मैंने सामने देखा, एक बड़ा सा बंगला था। नीचे 5-6 बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ सी लग रही थी। वो हाईटेक गाड़ियाँ थीं जिनके ब्रांड भी पहचाने नहीं जा रहे थे। वो बंगलो किसी बहुत अमीर इंसान का लग रहा था जो लाल मिट्टी पर बना हुआ था, जिसमें स्विमिंग पूल था और स्विमिंग पूल के अंदर लावा उबल रहा था। मैं बार बार आंखें मलता सोचने की कोशिश करता, मैं यहाँ कैसे आ गया? गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था ना, वो साथ वाले कहाँ हैं? क्या मैं किसी अस्पताल में हूँ? कहाँ हूँ मैं? और जैसे ही उस बंगले के एक तरफ मेरा ध्यान पड़ा, लाल रंग का एक आदमी जिसके बड़े बड़े काले सींग और सींगों पर आग लगी हुई थी, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। यहाँ तपिश का एहसास हो रहा था, ये लाल मिट्टी गर्म थी, आसपास का माहौल भी काफ़ी गर्म था, लेकिन फिर भी जैसे शरीर सह रहा था। बस मैं उठकर उसके करीब गया और मेरी तरफ वो देखकर कहने लगा, वेलकम, बहुत बढ़िया काम करके आए हो, कितने लोगों को एक साथ मारा, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई, बिल्कुल मज़ा ही आ गया। लेकिन फिर भी अब नियम बने हुए हैं, उन नियमों का पालन तो तुम्हें करना ही होगा। चलो तुम ऐसा करो, अंदर आराम कर सकते हो, बहुत मज़ा आएगा, जाओ अंदर ऐश करो। ये कहते ही वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। मैं उससे बात करना चाहता था लेकिन एक शब्द भी मेरे मुँह से नहीं निकला। मैं बिना कपड़ों के था और यहाँ दूर दूर तक कोई कपड़ा नज़र भी नहीं आ रहा था। मैं शरीर को किस चीज़ से ढकूं? एक तो तपिश, हर जगह तपिश ही तपिश थी। मैं जब उस घर के अंदर गया, अंदर भी तपिश ही थी, कोई एसी नहीं था, बस दीवारें थी लेकिन काफ़ी खूबसूरत। बेड लगा हुआ था जो काफ़ी नरम था, मैं उस नरम बेड पर लेट गया लेकिन शरीर अकड़ा अकड़ा सा। मैं आराम करना चाहता था, मुझे लगा चोट काफ़ी ज़्यादा लगी होगी ना, एक्सीडेंट के बाद शायद मेरा इलाज हुआ होगा, या मैं नरक में तो नहीं? क्या सच में वो असली था, शैतान जैसा, और मुझे कहकर गया तुम मज़े कर सकते हो? मतलब क्या? मैं सवाल का जवाब चाहता था और जवाब देने वाला यहाँ पर कोई नहीं। इस बंगलो के सिवा यहाँ दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसके बाद मैं वहाँ सोने की कोशिश करता रहा, यादें दिमाग में घूमे जा रही थी, कहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं, क्या मैंने इतने बुरे काम किए कि नर्क में मुझे जगह मिली, और क्या नर्क में मुझे सज़ा भी मिलेगी? बहुत बुरी सज़ा मिलेगी, मैं बुरा हूँ, शायद बचपन में मैं बच्चों से लड़ा करता था, वो मेरी बुराई थी। इस काम के लिए मैंने अमीरों के तलवे चाटे, वो मेरी बुराई थी। मैं भगवान को माना करता था, मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानता था, बहुत बार चर्च में जाया करता था,
लेकिन आजकल क्या हो रहा है मैं नहीं जानता। शायद मरने के बाद मेरे बुरे कामों के कारण मुझे नर्क में जगह मिली है। ये सोचकर मैं बेड पर लेटा रहा था, रोने की कोशिश कर रहा था लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। फिर मैं चुपचाप लेटा रहा और मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी नींद खुली मेरे शरीर से पसीना ही पसीना बह रहा था। उसके बाद तपिश और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ये पूरा का पूरा बेड जैसे गीला हो चुका था। शरीर पर मेरे अब भी कपड़े नहीं, लेकिन अब थकान नहीं थी। मुझे लगा शरीर पर कपड़े तो पहनने होंगे ना। मैं उस गद्दे को फाड़ना चाहता था लेकिन गद्दे पर जैसे चमड़ा था जो काफ़ी नरम था। आसपास भी कोई कपड़ा नहीं मिल रहा, ढांकने के लिए कोई कपड़ा मिला ही नहीं। उसके बाद मैं उस बंगलों से बाहर आ गया और बाहर वैसा ही लाल रंग का आदमी जो शैतान जैसा लग रहा था। उसके दो बड़े बड़े सींग जिस पर आग लगी हुई मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ कहने लगा था, वाह मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था, आ जाओ बाहर अब तुम्हारे लिए काम है। नर्क में जगह मिली है काम तो करना पड़ेगा। मुझे माफ़ करना मुझे तुम काफ़ी पसंद हो लेकिन क्या करूँ नियम तो मुझे भी मानने पड़ते हैं ना। फिर मैं उसके करीब गया, मैंने नज़रें झुकाई हुई थी, मैं काफ़ी डरा हुआ था। नर्क में था मुझे सज़ा मिलेगी, भयानक सज़ा मिलेगी। उसके बाद उसने कहा, तुम्हें 200 दिनों की सज़ा मिली है, 200 दिनों तक वो फावड़ा पड़ा है खोदते जाओ, ज़मीन को खोदो, जितना खोद सकते हो खोदो, सोचो जिंदगी में क्या गलतियां की हैं, जो भी गलतियां की हैं उसका पछतावा करो, करते जाओ पछतावा, सोचते जाओ और ज़मीन से जो मिलता है उसे संभालते जाओ। बहुत काम की चीज़ें मिलेंगी और 200 दिन सोचने के हैं, उसके बाद चुनाव तुम्हारा होगा। फिर तुम्हें स्वर्ग में जगह मिलेगी या नर्क में ये तुम्हारे चुनाव पर निर्भर करेगा। अब काम पर लग जाओ, सज़ा यही है तुम्हारी। वो सज़ा देकर गायब हो गया था और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे लिए आसान सी सज़ा मिली है। मुझे तो पता था नर्क में तला जाता है, सड़ाया जाता है, बहुत दर्द दिया जाता है, इतना दर्द जो सहा ना जा सके, लेकिन अब मुझे खोदने की सज़ा मिली है, सज़ा तो माननी पड़ेगी ना। भूख नहीं लग रही थी यहाँ पर और फावड़ा उठाकर मैंने खोदना शुरू कर दिया। मैं खोदता जा रहा था, सोचता जा रहा था ज़िंदगी में क्या क्या बुरे काम किए हैं। मैं सोचता गया और खोदता गया, पूरा दिन खोदा। शरीर थक नहीं रहा था लेकिन दिमाग थकता जा रहा था। पूरा दिन सोचा और मैं खड्डे में पहुँच गया था। 7 से 8 फुट का बड़ा सा खड्डा बना दिया था और रात को वो मुझे देखने के लिए आया, मुस्कुराकर वहाँ से गायब हो गया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी लेकिन उसने एक शब्द ना मुंह से निकाला। रात को मैं खड्डे में ही सो गया था। अगली सुबह फिर से मैंने खोदना शुरू कर दिया। मैं खोदता गया और ज़मीन से कई हीरे निकले। एक झोला भर गया था, इतने हीरे थे, लेकिन उसे मैं संभालता कैसे, मेरे पास उसे संभालने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, तो मैंने उसे मुंह में डाल लिया। अब इतने हीरों में मैं ज़्यादा हीरों को संभाल नहीं सकता था। रात को मैं मिट्टी खोदता रहा, हीरों को एक तरफ लगाता गया, इतने ज़्यादा हीरे। इसके बाद रात के वक्त फिर से वो शैतान वहाँ आया। मैं उसको कहने लगा, देखो हीरे मिले हैं, देखो कितने महंगे कितने चमकदार हीरे, और वो मुस्कुराता गया। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। फिर बिना कपड़ों के मैं वहाँ उन हीरों की तरफ देख रहा था और सोच रहा था। जिंदगी भर मैंने पैसों के बारे में सोचा, सोना चांदी हीरे, हमारे दिमाग में ये भरा रहता है कि धन ही सब कुछ है। अब इन हीरों से मैं अपने शरीर तक को नहीं ढक सकता था, इस गर्मी से खुद को बचा तक नहीं सकता था। हीरे किसी काम के नहीं, मुझे वो हीरे वहीं पर छोड़ने पड़े थे। और अगले दिन और खड्डा खोदा और आगे गया। मैं खड्डा खोदता जा रहा था, कभी नीचे की दिशा में कभी किसी और दिशा में। भूख प्यास लगती नहीं थी, खड्डे में मैं गहराई तक चला गया था। वहाँ हर जगह रोशनी थी लेकिन एक तपिश जिससे बचा नहीं जा सकता था। वो तपिश वो गर्मी दर्द का एहसास देती थी लेकिन इतना ज़्यादा दर्द नहीं कि सहा ना जा सके। मान लो कि रेगिस्तान में आपके शरीर पर धूप पड़ रही हो, आप काफ़ी परेशान होते हैं लेकिन फिर भी दर्द सहना शुरू कर देते हैं। वो तो आपका शरीर जलता है जिसके बाद आपको लगता है गर्मी के कारण आप मर जाएंगे। आप सच में मर भी जाते हैं अगर रेगिस्तान में कहीं धूप में ज़्यादा समय रह जाएं। यहाँ नर्क में गर्मी का एहसास होता है, मरे हुए को दोबारा मारा नहीं जा सकता।
इस तरह समय बीतता गया। पहले कुछ दिन निकले, फिर कुछ हफ्ते, फिर कुछ महीने। मैं बस खोदता रहता, लेकिन लगभग 70 से 80 दिन बाद जब मैं ज़मीन को खोद रहा था, वहाँ फावड़ा चलने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था फावड़े की आवाज़ गूंज रही हो। फिर मैंने फावड़ा चलाते चलाते एकदम से रोका। फावड़ा चलने की आवाज़ अब भी आ रही थी, यानी कि कोई और फावड़ा चला रहा था। उसके बाद मैंने एक तरफ फावड़ा मारा और उसने भी जैसे फावड़ा मारा। मैं उस तरफ खड्डा खोदने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई मिला नहीं। एक आवाज़ ज़रूर सुनाई दी, हेलो कौन हो तुम, क्या तुम भी यहाँ हो? मैंने जवाब दिया, हाँ मैं भी यहाँ हूँ, कौन हो तुम? वो सींग वाले शैतान हो तुम? सामने से जवाब आया, नहीं मैं वो शैतान नहीं हूँ, मेरी मौत हो चुकी है, मैं यहाँ नर्क में फंसा हुआ हूँ। उसके बाद मैंने कहा, मैं भी इस नर्क में फंसा हुआ हूँ, सज़ा मिली है मुझे, 200 दिन यहाँ पर खोदना है, अपने कर्मों का पछतावा करना है, हर दिन सोचता हूँ मैं यहाँ पर। उसने कहा, मैं भी यही हूँ, मैं भी 200 दिन के लिए फंसा हुआ हूँ और मेरा समय तो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद मैंने उससे पूछा, क्या समय ख़त्म हो चुका है? तुम्हारा समय 200 दिन का ख़त्म हो गया, फिर तुम्हें वो ऑप्शन मिली, नर्क में रहना है या स्वर्ग में जाना है? उसने कहा, हाँ मुझे ऑप्शन मिली थी, मैंने नर्क को चुना है। मैं हैरान हो गया था, मैं घबरा गया था और मैंने उससे सवाल किया, पागल हो तुम? स्वर्ग चुनना था, नर्क क्यों चुना? नर्क में तो सज़ा मिलती रहेगी, तुम्हें स्वर्ग जाना चाहिए था, इन सब से छुटकारा पाकर जन्नत में, स्वर्ग में जाना, यही तो हमारी ज़िंदगी का मकसद होता है, उसने भारी आवाज़ में कहा था। गलत निर्णय मत लेना, डिसीज़न सही लेना, तुम्हें पता नहीं है स्वर्ग, जिसे तुम हेवन कहते हो, कैसी है वो, वहाँ मत जाना, नर्क अच्छा है, स्वर्ग अच्छा नहीं है। ये उसके आखिरी शब्द थे। फिर मैं उससे बात करने की कोशिश करता रहा, उसका कोई जवाब नहीं आया। जब मैंने एक तरफ देखा, खड्डे के पास वो शैतान खड़ा था, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहा था। मैं उससे बात करने के लिए भागा, लेकिन वो गायब हो चुका था। मैं चीखने लगा था, इतने दिन हो गए, मुझे किसी से बात करनी है, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम ही मुझसे बात कर लो। वो नज़र नहीं आया और उसके बाद किसी से बात भी नहीं हो पाई। वो कौन था? क्या मेरे साथ वो भी यहाँ सज़ा काट रहा था? उसने स्वर्ग ना जाने को क्यों कहा? मेरे पास इन सवालों के जवाब नहीं थे, लेकिन खड्डा खोदना हर रोज़ का काम, हीरे ज्वारात, लाशें, पेड़, पानी, हर तरह की चीज़ मुझे खड्डे में मिलती, जो मुझे सबक देती ज़िंदगी में मैंने क्या क्या किया, क्या क्या गलतियां की मैंने। जब आप भीड़ भाड़ से दूर निकल जाते हैं, अकेलेपन में आपको पछतावा होता है, तब आप समझते हैं ज़िंदगी में क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। इस तरह समय बीतता गया, 80 दिन से 100 हुए, 100 से 150 और 150 से 200। मैं तो गिन तक नहीं रहा था कि दिन कितने हो गए। लगभग 150 से 160 दिन हुए होंगे, उसके बाद से तो गिनना भी मैंने छोड़ दिया था। मुझे लगा यही सज़ा है जो मुझे हमेशा के लिए भुगतनी पड़ेगी। उसके बाद 200 दिन हो चुके थे और उस खड्डे को खोदते खोदते मैं जब ऊपर की तरफ आ गया था, वो बंगलो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सामने कुर्सी पर बैठा हुआ वो शैतान एक सिगार पी रहा था। वो सिगार लावे का बना हुआ, और मैं फिर से नीचे की तरफ खड्डा खोदने लगा, तभी मेरे हाथ से फावड़ा गायब हो गया। मैं फावड़े के बिना खोद ही नहीं सकता। मैं जल्दी से ऊपर गया और कहने लगा, मेरा फावड़ा गायब हो गया, क्या मुझे हाथ से खोदना पड़ेगा? कुछ तो बोलो। वो बोला था और उसने कहना शुरू किया, फावड़े की क्या ज़रूरत, सज़ा तो ख़त्म हो गई है ना, अब नर्क में रहना है या नहीं रहना तुम्हारा चुनाव है, तुम्हारी सज़ा पूरी हुई, वादा किया था मैंने और वादा मैं निभाता हूँ, अब 200 दिन हो चुके हैं। वो सामने पेड़ के पास वाला दरवाज़ा दिख रहा है, बस उस दरवाज़े को पार कर लो
तो स्वर्ग में चले जाओगे, रहना यहाँ चाहते हो तो वो काले दरवाजे को पार करो, दोनों दरवाजे गायब, तुम हमेशा के लिए यहाँ नरक में रहोगे। उसके बाद मैंने कहा, क्या सच में मैं स्वर्ग जा सकता हूँ, तुम मुझे रोकोगे नहीं? वो मुस्कुराकर कहने लगा, मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा पसंद थे, लेकिन चुनाव तो तुम्हारा है ना, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहूँगा। जो नरक से जाना चाहता है मैं उसे रोकना क्यों चाहूँगा, लेकिन फिर भी पसंद थे, थोड़ा बुरा तो लगेगा। अब जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जल्दी से चुनाव करो, नहीं जाना चाहते तो भी बताओ, उस काले दरवाजे को चुनो। मैं जल्दी से सफ़ेद दरवाजे की तरफ भागा था। नरक से कौन नहीं निकलना चाहता, कौन नहीं जहन्नुम से बाहर जाना चाहता, ये हेल है ही ऐसी, इससे दूर रहना ही हमें बताया जाता है। मैं सफ़ेद दरवाजे की तरफ भागा और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने सफ़ेद रोशनी और ये तपिश कम हो गई, ठंडक का एहसास और मेरे दिल को जैसे सुकून मिला। धीरे धीरे वो रोशनी आँखों को चुंधियाना बंद हुई और मुझे सामने का नज़ारा दिखना शुरू हुआ। सफ़ेद रंग की दुनिया, पहाड़, पेड़, लेकिन कटे हुए अंग, शरीर के अंग कटे पड़े थे, खून ही खून, आँखें जो अपने सर से बाहर निकली हुई हिलती हुई वहाँ गिरी हुई थी, और खून को देखकर मैं घबराने लगा। ये कैसा दृश्य है, ये कैसा स्वर्ग है, ये हेवन है या नहीं? मैं भागने लगा था आगे की तरफ, हर तरफ चीखें, चिल्लाने की आवाज़ें, हर तरफ जैसे पेड़ों पर फंसे हुए लोग, कटे हुए लोग, दर्द से चीखते चिल्लाते हुए लोग, और उन्हें देखकर मैं घबराने लगा था। ऐसा तो नहीं होता स्वर्ग, ऐसा तो नहीं होता, ये क्या है? मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा था, हर किसी को दर्द दिया जा रहा था, जैसे उनके शरीर खींच खींच कर फाड़े गए थे। कुछ तो चीखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी जबान भी किसी दूसरे के शरीर से बांधी हुई थी। इस तरह से कटी फटी दुनिया, वहाँ पर जैसे हर किसी को आग लगी हुई थी। मुझे ठंडक का एहसास ज़रूर हो रहा था, लेकिन दृश्य देखकर शरीर के अंदर से गर्मी दिख रही थी, मुझे महसूस हो रहा था। मैं भागा वहाँ से और सामने मुझे एक सफ़ेद आदमी नज़र आया जो बहुत खूबसूरत था। उसका चेहरा तक नज़र नहीं आ रहा था, जैसे रोशनी उसके शरीर से निकल रही हो। वो एक आदमी के ऊपर बैठा हुआ, उंगली से उसकी आंखें निकाल रहा और वो चीख रहा। उसने उसकी आंख निकाली और अपनी उंगलियों से मरोड़कर उसके जैसे पिचकारियां खून की निकाल दी। नीचे वो आदमी रो रहा और वो आदमी अपने शरीर को दुगना कर गया था, यानी एक शरीर से दो वैसे चमकते आदमी निकले और दूसरे ने एक दूसरे आदमी को धीरे से फाड़ना शुरू कर दिया। वो सफ़ेद से क्या थे, वो मेरी तरफ भागने लगा और मैं उससे बचने के लिए दूर तक भागा था, लेकिन उसने छलांग लगाई और मेरी छाती पर बैठ गया, मेरे मुंह में उंगलियां गाड़ दी थी और मैं कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बताओ तुम कौन हो, कौन हो तुम, मुझे सच जानना है। और उसने मेरे मुंह से उंगलियां निकाली और कहा, कहां पर आए हो तुम? मैंने कहा, हेवन, हेवन, मैं तो हेवन में आया था। उसने कहा, यही तो है हेवन, यहाँ पर मैं रहता हूँ, कौन हूँ मैं? मैंने कहा, भगवान, और हंसने की आवाज़ आई बिल्कुल, मेरी कितनी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, तुम यहाँ के लिए तरसते हो, लेकिन यहाँ क्या मिलता है वो नहीं पता, अब तुम्हारे साथ भी खेलने का मज़ा आएगा, आए हो तुम चुनाव करके, अब मुझे बहुत मज़ा आएगा। मैं बस किसी तरह से उसकी उंगलियों से छूट पाया था, भागा था मैं वहाँ पर, इतनी लाशें, इतना दर्द। वो भगवान के रूप जैसे अलग अलग थे, कई अलग अलग आकार के थे वो, खुद को वो भगवान कह रहा था, क्या सच में वो भगवान था? मैं बस इस कहानी को आप तक बता सकता हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, ये मायने नहीं रखता,
मेरी कहानी मायने रखती है। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपको बताया गया है उस पर यकीन करने से पहले मेरे सवालों का जवाब ज़रूर दीजिएगा। आपके पास 3 ऑप्शन है, आप कौन सा जवाब देना चाहेंगे? और सवाल सुनिए, ये पूरी की पूरी कहानी सच है, आप ये मानना चाहेंगे? तो आपको पता चलेगा जिस हेवन में आप जाना चाहते हैं वहाँ ये सब होता है। नर्क का चुनाव करिएगा, स्वर्ग में मत जाइएगा, नर्क में आपको फिर भी अच्छा मिलेगा। ये आपकी पहली ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने बस ये कहानी बनाई है, ये एक झूठी कहानी है, जिसे सुनिए और चुप करके सो जाइए, हंसिए और अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दीजिए। और तीसरी ऑप्शन है कि मैं हूँ कौन, कहीं मैं शैतान तो नहीं जो आपको नर्क में बुला रहा है, आपको नर्क में बुलाने का बहाना है मेरा, ताकि आप वो बुरे काम करो और एक बार नर्क में आओ तो सही, फिर आपको पता चलेगा नर्क है क्या। अब बताइए क्या है, सच्चाई क्या है, आप किसका चुनाव करना चाहेंगे? मैं सच्चा हूँ, मैं झूठा हूँ, मैं शैतान हूँ, क्या चुनेंगे आप? हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईथन है और मैं फ्लोरिडा का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 13 साल है, लेकिन मुझे घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है। मेरी माँ मुझे और मेरी बहन को लेकर कई नई नई जगह पर जाती ही रहती हैं, और माँ के साथ घूमने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। फ्लोरिडा में ही आपको ऐसी ऐसी जगह देखने को मिल जाएंगी जहाँ बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अकेलेपन का एहसास आपको शहरों में नहीं होता, वो आपको यहाँ के जंगलों में होता है। यहाँ पर कई पिकनिक स्पॉट बने हुए हैं जहाँ मेरी माँ मुझे और मेरी बहन को लेकर जाती हैं। मेरी बहन राइली और मुझे उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। मेरी बहन की उम्र 9 साल है और उसका ख्याल ज़्यादातर मुझे रखना पड़ता है। इस बार भी हम पिकनिक मनाने के लिए जंगल के बीच में आए हुए थे और इस जगह इससे पहले भी हम आ चुके थे। कई लोग कहा करते हैं कि यहाँ पर भालू काफ़ी ज़्यादा रहते हैं जो लोगों पर हमला करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा टेंट मोटा है और इसके अंदर किसी जानवर का आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस बार भी जंगल के बीच हमने वो बड़ा सा टेंट लगा लिया था, सारा सामान अंदर रख लिया था, बाहर आग जला ली थी और वक्त शाम के 6 बजे का हो गया था। माँ कहने लगी थी कि हमारे पास पीने का पानी तो है ही नहीं, मैं नीचे जाकर उस झरने से पानी भरकर लेकर आती हूँ, तुम तब तक उस टेंट के अंदर रहना। अपनी माँ की बात मानते हुए हम टेंट के अंदर चले गए थे। हमने जिप लगा ली थी, अब जरा भी खतरा नहीं था। लेकिन फिर मेरी बहन उस जाली से बाहर देखते हुए कहने लगी, तुम्हें पता है बहुत समय पहले हमने वहाँ पर एक लाइट लगा ली थी, फिर इस तरह टेंट के अंदर से उस लाइट को पूरी रात देखते रहे थे। मैंने अपनी बहन को कहा, हाँ बहुत समय पहले हमने वो किया था, लेकिन अब अंधेरा हो चला है, वहाँ पर लाइट नहीं लगा सकते, उस समय हम दोपहर को आए थे। फिर मेरी बहन रोते हुए कहने लगी थी, हाँ उस समय पापा भी हमारे साथ थे। फिर मेरी आंखों से भी आंसू आ गए। मेरे पापा और मम्मी की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुआ करती थी, फिर पापा हमें छोड़कर चले गए, उसके बाद से माँ ही हमारा ख्याल रखती है। और आज मेरी बहन के आंखों में आंसू देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मुझे ऐसा लगा अपनी बहन की आंखों के ये आंसू मुझे दूर करने चाहिए। और मैंने बैग से वो लाइट निकाल ली थी, ये बड़ी सी गोल लाइट थी जैसे बड़ा सा बल्ब बना हुआ हो, उसे मैं वहाँ लटकाना चाहता था। मैंने उस टेंट से बाहर पैर रखा और अपनी बहन को कहा, तुम्हें अंदर ही रहना है, बाहर मत निकलना, मैं एक मिनट में आया और तभी तुमको एक इशारा करूंगा, तुम जिप खोलना, अगर कोई आसपास जानवर हुआ चुप करके अंदर बैठ जाना। इसके बाद मैं उस दिशा में चल पड़ा, ये उस पहाड़ी से थोड़ा सा नीचे उतर कर जंगल का वो बड़ा सा पेड़ था जिस पर चढ़ने में ज़रा भी परेशानी नहीं हो सकती थी।
वहां नीचे सीढ़ियां बनी हुई थी। इस जंगल में कई ऐसे पेड़ थे जिसके ऊपर लकड़ी के छोटे छोटे घर से बना रखे थे। ये उन हाइकर्स ने बना रखे थे जो यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आया करते थे। यहाँ इन घरों में वो शायद रहते होंगे, लेकिन मुझे सिर्फ इतना काम था कि उस सीढ़ी से चढ़कर उस ऊंचे वाले पेड़ के ऊपर लाइट लगा कर आना। पूरी रात वो लाइट जलती रहेगी और मेरी बहन उस लाइट को देख देख कर बहुत ज़्यादा खुश होती रहेगी। जैसे ही मैं उस सीढ़ी पर चढ़ने लगा था, पीछे से मुझे लकड़ी के हिलने की आवाज़ आई। डर कर जब मैंने पीछे देखा कि कोई जानवर तो नहीं, मेरी बहन मेरे पीछे पीछे वहाँ तक आ गई थी। उसे देखते ही मैं घबरा गया। रायली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कहा था ना यहाँ नहीं आना है, अब माँ बहुत ज़्यादा डांटेगी। अब तुम यहाँ क्यों आ गई? मैं तो लाइट लगाने के लिए आया था। मेरी बहन मुस्कुराते हुए कहने लगी, पिछली बार हमने इकट्ठे लाइट लगाई थी ना, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे आ गई। इस बार भी हम इकट्ठे ही लाइट लगाएंगे। इसके बाद मैं अपनी बहन को कैसे समझाता, वो मेरे पीछे पीछे इतनी दूर तक आ गई थी। मैं उसे कहने लगा, ठीक है चलो इस सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं। अब वो रस्सी की बनी हुई सीढ़ियाँ हम उससे ऊपर चढ़ने लगे थे। मेरी बहन से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं गई, लेकिन मैं उस पेड़ के बिल्कुल ऊपर तक पहुँच गया। वहाँ मैंने लाइट लगाई। उसके बाद जब मैं नीचे उतर रहा था, मेरी नज़र पड़ी कुछ पेड़ों के आगे एक बड़ा सा भालू घूम रहा था। और यहाँ पर भालुओं की कई कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि वो लोगों पर हमला करते हैं। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा डर गया और बड़ी तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगा। और जब मैं सीढ़ियाँ उतर रहा था, वो भालू भी इस तरफ आने लगा था। मेरी बहन नीचे ही थी। मैं ऊंची आवाज़ में बोल तक नहीं सकता था, क्योंकि आवाज़ सुनकर भालू आकर्षित होते हैं और हमला करने के लिए आते हैं। जल्दी जल्दी मैं सीढ़ियाँ उतरता रहा और भालू इस तरफ आता रहा। फिर जब मैं नीचे उतरा था, अपनी बहन की बाजू पकड़कर मैं भाग रहा था टेंट की तरफ, और भालू ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। इसके बाद वहाँ काफ़ी अंधेरा सा होने लगा था और रास्ता पता नहीं चल रहा था। अचानक उस भालू ने हम पर हमला किया इतने करीब से। मुझे धक्का सा पड़ा था और मेरी बहन भी पीछे गिरी। फिर से मैंने छलांग लगाई और अपनी बहन की बाजू पकड़ी और उस जंगल के अंदर की तरफ भागना शुरू कर दिया। वो भालू उस पेड़ के पीछे से कहाँ गया पता ही नहीं चला। ऐसा लगा जैसे उसने हम पर हमला किया लेकिन फिर डर कर शायद भाग गया, जैसे किसी ने हमारी मदद की हो। मैं अपनी बहन को संभाले हुए जंगल के और अंदर जा रहा था। मुझे डर था वो भालू हमारा पीछा तो नहीं करेगा, और एक बात का डर ये भी था कहीं हम भटक ना जाएं। और जिस चीज़ का डर था वो हो गया। भालू तो हमें ढूंढ नहीं पाया, लेकिन हम भटक गए। अपनी बहन का हाथ पकड़े हुए उस घने जंगल में आवाज़ें लगानी शुरू कर दी थी मैंने। माँ माँ, हम भटक गए, माँ तुम यहाँ हो माँ? किसी ने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। वहाँ आसपास से आ रही आवाज़ें हमें डरा रही थी, और वहाँ अचानक धुआं सा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे धुंध वहाँ घेराई हो और दूर दूर तक देखा नहीं जा सकता था। मैं बार बार रास्ता ढूंढने की कोशिश करता। मैं पहचानना चाहता था यहाँ पगडंडी कहाँ पर है। कोई सड़क दिख जाए, कोई ऐसा रास्ता दिख जाए, कोई घर दिख जाए जहाँ पर हम छिपकर रह पाएं। लेकिन वो धुआं पेड़ों पर ऊपर तक देखने नहीं दे रहा था, और मुझे लगने लगा मेरी बहन और मैं यहीं ना भटकती रह जाएं। सुबह होने तक और जानवरों से भी हमारा सामना हो जाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं था जानवरों के अलावा यहाँ कुछ और भी मौजूद है। जैसे ही एक पेड़ के पास से हम निकले थे, वो झाड़ियाँ काफ़ी बड़ी थी और उस धुएं की चादर को चीरता हुआ एक चेहरा दिखा था। वो काले रंग का चेहरा और लाल आँखें, उसकी पुतलियाँ नहीं थीं। काले रंग का चोला उसने पहन रखा था, और जब वो पेड़ के पास से दिखा था, मुझे लगा प्रेत, एक प्रेत दिखा है। और भूतों की कहानियाँ मैं और मेरी बहन एक साथ पढ़ा करते थे, और मेरी बहन की चीख निकल गई। वो मुझे कहे जा रही थी, भैया जल्दी भागो यहाँ से, ये भूत हमें मार देगा। जानवर मारे ना मरे, भूत जिंदा नहीं छोड़ते। आज वो हर बात पर यकीन हो रहा था जब कहा गया था कि यहाँ भूत प्रेत लोगों को दिखते हैं, यहाँ पर भालू लोगों पर हमला करते हैं। हर बात आज सच साबित हो रही थी। माँ कई बार कहा करती थी यहाँ नहीं जाना चाहिए, भालू नुकसान पहुँचा सकते हैं,
मैं जिद किया करता था कि माँ भालू नहीं नुकसान पहुंचाते। मैं अड़ जाता, दो दो दिन तक खाना नहीं खाता। आखिरकार माँ को यहाँ आना पड़ता। इस बार भी मैं ही माँ को यहाँ पर लेकर आया था। अब माँ ढूंढ रही होगी, कितनी मुश्किल में होगी, और कहीं माँ ना किसी खतरे में पड़ जाए। मैं भी रोए जा रहा था, मेरी बहन भी रोए जा रही थी, और उस प्रेत से पीछा छुड़ाने के लिए हम अलग दिशा में भागे। अब वो बड़े बड़े पेड़ों के बीच से रास्ते का पता नहीं चल रहा। भटके हुए हम प्यासे भी थे और पानी पीने का मन तो कर रहा, पानी था नहीं वहाँ पर। इसके बाद एक लड़का नज़र आया जो ज़मीन पर बैठा हुआ था और नीचे जैसे खड्डा खोद रहा, अपनी उंगली से मिट्टी के अंदर एक खड्डा सा खोद रहा। उसे देखकर मुझे लगा ये मदद कर सकता है। शायद कोई और परिवार भी यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आए होंगे और उनसे मदद मांगते हैं। मैं भागकर उसके करीब गया और उसकी पीठ पीछे, मेरी बहन तो रोए जा रही थी। मैं बार बार उसे चुप करवा रहा था, मुझे बात करने दो, इसे बात सुनाई नहीं देगी। मैं उस लड़के से कहने लगा, देखो देखो हम यहाँ भटक गए हैं, क्या तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ पर मौजूद हैं? हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं बार बार उससे कहे जा रहा था, मेरी बहन के रोने की आवाज़ उसे जैसे विचलित कर नहीं रही थी। वो ज़रा भी पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था। फिर मैं भागकर उसके आगे आया, उसके कंधों पर हाथ रखा और उसे खड़ा होने को कहा। वो खड़ा तो हुआ, लेकिन उसका वो सफ़ेद चेहरा, उसके कपड़े सफ़ेद थे, मुझे अजीब नहीं लगे, लेकिन उसका पूरा चेहरा ही सफ़ेद था। उसके बाल भी सफ़ेद से हो गए थे और जब उसने आँखें ऊपर की, वो लाल रंग की आंखें, वो पूरी लाल आंखें जिसकी पुतलियां नहीं थीं। उसे देखकर मेरी बहन और ज़्यादा रोने लगी। मेरी बहन काफ़ी कमज़ोर सी है, जब भी रोती है अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है, आंखों को मलना शुरू कर देती है, लेकिन जो सामने चीज़ है उससे भागती नहीं। कई बार कुत्ते उसके पीछे पड़ गए और वहीं पर खड़ी होकर वो रोती रही। एक बार एक कुत्ते ने उसे काटा भी था, वो भागी नहीं, बस रोती रही थी। आज भी डर का माहौल था और वो खड़ी खड़ी रोई जा रही थी। मैंने उसकी बाजू पकड़ी और खींच कर उसे उस भूतिया बच्चे से दूर ले गया। अब मैं खुद रो रहा था, क्या करूं क्या करूं, और मेरी बहन भी रोए जा रही। अब उसका रोना ही बंद नहीं हो रहा था और मैं आवाज़ें लगाता हुआ, माँ माँ कहाँ हो, माँ भटक गए, माँ यहाँ खतरा बहुत है, कहाँ हो तुम? अब एक पारदर्शी सा आदमी उस धुएं से जैसे एक पेड़ के पीछे से झांक रहा, उसके आर पार नजर आ रहा था और उसका पूरा रंग सफ़ेद और उसने कपड़े भी सफ़ेद पहन रखे थे, लेकिन हाथ में काले रंग का एक डंडा। ऐसा लग रहा था जैसे वो डेथ मैसेंजर हो, लेकिन सफ़ेद कपड़ों में। उसकी तस्वीरें कई बार हम आर्टिकल्स में देख चुके हैं। कई जगह ऐसे वॉलपेपर आपने देखे होंगे जिसे कहा जाता है मैसेंजर ऑफ डेथ, मौत का मैसेंजर। ऐसा लग रहा था वो हमारे पीछे पड़ गया हो। अब इस जंगल में भालू प्रेत के सिवा ऐसी चीज़ भी देखने को मिलेगी? मैं अपनी बहन को बचाना चाहता था और वो हमारे पीछे पड़ चुका था। बार बार वो हमारे करीब आना चाहता और मैं उससे दूर भागने की कोशिश करता। वो मौत का मैसेंजर मुझे और मेरी बहन को मार भी सकता है, या वो एक ऐसा शैतान है जो हमारे पीछे पड़ गया है। मुझे नहीं पता वो क्या है और ऐसा आकार लिए पीछे क्यों पड़ा है, लेकिन मुझे और अपनी बहन को बचाना था। मैं बस वहाँ से भागा। जब वो करीब आने की कोशिश करता, मैं एक पत्थर उठाता और उसकी तरफ मारता, वो धुएं की तरह गायब हो जाता। वो हमारा पीछा करता ही जा रहा था, मैं बस उससे बचने की हर कोशिश करता रहा। कई बार आसपास खड्डे आए, खड्डों में छिप गए हम। मेरी बहन रोती ही रही, वो चुप नहीं कर रही थी और उसके रोने के कारण वो हमारा पीछा करता रहा। वो हमें किसी भी हालत में ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरी बहन का रोना चुप नहीं हो रहा था। इस तरह ज़मीन में बने उस खड्डे में हम छिप तो गए थे। मैंने घास अपने सर पर रख ली थी, मैं सोच रहा था वो हमें देख ना पाए और यहाँ से कहीं दूर चला जाए। लेकिन लगभग 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल चुपचाप हम वहाँ पर छिपे रहे, पूरे अंधेरे में। और मेरी बहन पहली बार चुप हो गई थी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा हुआ था और मैं बस इंतज़ार कर रहा था कब उसे कहूँ बाहर निकलते हैं, अब आगे चलते हैं। वो चला गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
15 से 20 मिनट बाद जब उस घास को मैंने हटाया, वो प्रेत नुमा चीज सामने थी। हाथ में वो डंडा लिए तेज धार चाकू सा लगा हुआ था उस डंडे के ऊपर। मैं सन अपनी बहन को अपनी बाहों में लिए, मत मारो हमें, मत मारो, छोड़ दो हमें, मैं बस रोकर ये कहने लगा था और लगा था कि वो छोड़ने वाला नहीं। लेकिन उसकी वो प्यारी सी आवाज, डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूं। मैं रो रहा था अपनी बहन को पकड़े हुए और रोते रोते मैंने कहा, कौन हो तुम, यहां भूत नजर आते हैं, तुम भी एक भूत हो। और उसने वही प्यारी सी आवाज में कहा, मैं भूत नहीं हूं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूं, तुम्हारा डर कम करना चाहता हूं। फिर मैंने खुद को संभाला और उससे कहा, क्या बात करना चाहते हो, बताओ मुझे। वो कहने लगा, भागने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, किससे डर रहे हो, भूत प्रेत वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यहां वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, और भालू अब तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। मैं अब खुद को संभाल कर कह रहा था, वो दूर तो चला गया है, वो दोबारा आ सकता है, मुझे माँ को ढूंढना है। और वो कहने लगा, देखो अब तुम माँ को नहीं ढूंढ पाओगे, अब वो भालू तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मेरा यकीन करो, मेरे साथ चलो, तुम्हें अब यहां से चलना होगा। मैंने उससे कहा, हाँ हाँ मैं जाने को तैयार हूं, मुझे मेरी माँ के पास ले जाओ। फिर उसने प्यारी सी आवाज में कहा, तुम समझ नहीं रहे, तुम अब अपनी माँ के पास नहीं जा सकते, तुम्हें अब मेरे साथ चलना होगा। मुझे लगा था वो प्रेत अब मुझे मारना चाहता है, कहीं वो मैसेंजर ऑफ डेथ यही तो नहीं जो हम दोनों को मारने के लिए आया है। मैं अपनी बहन को मरने नहीं दूंगा। इसके बाद मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की और उस खड्डे से मैं बाहर निकला। मैं भाग रहा था और वो पीछे से कह रहा था, जब भी मेरी ज़रूरत हो मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। ये कहते ही वो धुएं में गायब हो गया था और हम भागते रहे थे उससे आगे, माँ को आवाज़ें लगाते हुए, उस धुएं की चादर को चीरते हुए दूर निकलना मुश्किल भरा हो रहा था। उस अंधेरे जंगल में रास्ता मिल ही नहीं रहा, हम थक गए थे, मेरी बहन रोती जा रही। इसके बाद वहाँ थोड़ा सा धुआं छटा, वो चांद की रोशनी ने उजाला कर दिया था, वो पूरा चांद था और एक पेड़ के नीचे हम बैठ गए। उजाले में पहली बार ऐसा लगा था जैसे डर कम लग रहा है, बस ध्यान उस भालू का था, इन प्रेतों का था, ये हमें मार ना दे। तब मेरी बहन रोते रोते थोड़ी चुप हुई थी। तब मेरी बहन जब मेरी तरफ देख रही थी, मेरे होश उड़ गए। अब जाकर वो चुप हुई थी और मेरी तरफ जब अजीब सी नज़र से देख रही, उसका चेहरा सफ़ेद फिर गया था, उसकी आँखें लाल, पुतलियाँ गायब। मैं अपनी बहन से डर गया, कहीं ये प्रेत तो नहीं, कहाँ है मेरी बहन, कहाँ है मेरी बहन। वो फिर से रोकर कहने लगी, भैया भैया आप मुझे डरा रहे हो, मैं हूँ रायली, आप मुझे डरा क्यों रहे हो। मैं अपनी बहन की आवाज़ पहचानता हूँ, ये कोई प्रेत नहीं हो सकती, ये तो मेरी बहन है। मैं अपनी बहन को गले से लगाकर चुप कराने लगा, डरो मत, मैं बस थोड़ा सा घबरा गया था, इसकी आंखें लाल कैसे हो गई, क्या हुआ इसे, कहीं किसी प्रेत ने इसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया। फिर मेरी बहन थोड़ा चुप होकर कहने लगी, भैया आप डरा क्यों रहे हो, आपका चेहरा सफ़ेद क्यों पड़ गया है, और आपकी आंखें पूरी तरह से लाल कैसे हो गई हैं। ये सुनकर मैं सन्न हो गया, क्या मैं भी अपनी बहन की तरह सफ़ेद और लाल आंखों के साथ हो चुका हूँ। मैंने अपनी बाजू उस रोशनी में देखी, सच में मेरी चमड़ी ज़्यादा सफ़ेद हो चुकी थी जैसे मेरी बहन की थी। वहाँ सन्न होकर खड़ा हो गया था, मुझे एक बहुत बड़ा डर लग रहा था, वो डर सच ना हो। तभी दूर से वो सफ़ेद सा आदमी नज़र आ रहा था डंडा लिए। मैं घबरा कर अब उसे बुलाना चाहता था, मेरे करीब आओ, मैं जानना चाहता हूँ
मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, मेरे सवालों का जवाब दो। वो एक झटके से मेरे सामने आ गया और कहने लगा, डरने की बात नहीं है, तुम घबरा क्यों रहे हो, खुद को संभालो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैंने रोते रोते उससे पूछा, सच बताओ हमारे साथ क्या हुआ है, क्या तुमने हमें मार दिया? तुमने हमें मार दिया और इस तरह से ये लाल आंखों वाले सफेद बना दिया। वो कहने लगा, मैं किसी को नहीं मारता, मैं किसी को मार ही नहीं सकता, ये मेरा काम नहीं है, मैं तो तुम्हें ले जाने आया हूं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर मैंने उससे कहा, तो हमें क्या हुआ है, हमें क्या हुआ, हम तो वहां लाइट लगाने के लिए गए थे, उस भालू से हम बच गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तब वो कहने लगा, चलो मेरे साथ, सब समझ जाओगे। फिर वो मुझे और मेरी बहन को एक तरफ ले जाने लगा, उस धुएं की चादर में लेकर गया। मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ रखा था और उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। इस तरह हम आगे बढ़ रहे थे और धुएं की चादर को चीर कर आगे जो नजर आया उस पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे बहन की लाश, मेरी लाश सामने पड़ी थी, वो भालू मेरी छाती को खा रहा था। अब सब कुछ समझ में आ गया, जब उस भालू ने हम पर हमला किया था उसी समय उसने मुझे और मेरी बहन को मार दिया था। यही बात उस आदमी ने बताई और कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, डरो मत, अब ये सब मत देखो, चलो मेरे साथ, तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं। मैंने उससे कहा, लेकिन तुम उन्हें क्यों नहीं लेकर गए, वो आदमी, वो बच्चा? उसने कहा, कई लोग जाना ही नहीं चाहते, रुकना चाहते हैं, मैं जिद नहीं करता, तुम भी रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, लेकिन कहीं जा नहीं पाओगे, भटकते रहोगे इन्हीं जंगलों में और समय आने पर खुद ही वहां जाना चाहोगे, मैं हमेशा इंतजार करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यही तो मेरा काम है, मैं हर मरे हुए को लेकर जाता हूं। तुम दोनों का भी समय आ गया, तुम बहुत प्यारे हो, चलो मेरे साथ चलो, जाने का समय हो गया है। मैंने अपनी बहन को गले से लगा लिया था, मैं रोना तो चाहता था लेकिन अब हमारी नियति हमारे सामने थी, यहां भटक कर कुछ नहीं मिलने वाला, हम पहले ही मर चुके हैं। मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और उसके बाद उस आदमी का हाथ पकड़ा और वो कहने लगा, चलो इस दिशा में, ये धुएं की चादर को चीर कर उस जगह जाने का समय आ गया है। और मैं जाने से पहले बस आपको इतना बताना चाहता हूँ, अगर आपकी उम्र कम है तो अपने पेरेंट्स की बात मानिए, अकेले में मत घूमिए, खतरा हर जगह होता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो खतरा आपकी जान ले गया, भटकते रह जाओगे यहाँ पर और बाद में पछतावा करने का समय तक नहीं मिलेगा। हेलो दोस्तों, आप मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं जो आपको पसंद आए, समझ लीजिएगा वही मेरा नाम है। और मेरी कहानी की शुरुआत तब होती है जब मैं 15 साल का था। मेरे पिता की मौत हो गई और उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन उसके बाद से ही मेरी ज़िंदगी बदल गई। मेरे पिता की लाश मेरे सामने थी, फ्यूनरल चल रहा था और तभी मेरे कान में एक हल्की सी आवाज़ आने लगी। ये काउंटिंग थी और ये 10 मिलियन से पीछे की तरफ आ रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई रेडियो ऑन हो या किसी ने टीवी चला दिया हो या कहीं पर अनाउंसमेंट हो रही हो, लेकिन इस तरह पीछे वाले नंबरों की अनाउंसमेंट क्यों हो रही थी? ये मिलियन से बैकवर्ड हो रही थी और धीरे धीरे समय बीतता गया। मैंने देखा 1 महीने तक, जब 5 मिलियन तक काउंटिंग आ गई थी उसके बाद काउंटिंग भी थोड़ी स्लो हो गई, आवाज़ थोड़ी ऊँची हो गई। मैं समझने की कोशिश कर रहा था
कहां से आ रही है आवाज? क्या ये आवाज मेरे दिमाग से आ रही है? क्या मुझे कोई सदमा लगा है? जो मेरे पिता की मौत हो चुकी है उसके बाद से मुझे ये आवाजें क्यों सुनाई देती हैं? कौन बोलता है मेरे कान में? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए था, लेकिन सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं, बस वो काउंटिंग। अब 3 मिलियन तक जब काउंटिंग आई थी, वहाँ 2 महीने बीत चुके थे, और अब मुझे कान में रुई ठूंसनी पड़ती तब जाकर वो आवाज़ कम होती। जब मैं अकेले में सोया हुआ होता तब ऐसा लगता वो आवाज़ मुझे तंग कर रही है, कोई बार बार बैकवर्ड काउंटिंग करता रहता। जब वो काउंटिंग 1 मिलियन तक आई थी तब वो आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची हो चुकी थी। मैं भीड़ में भी जाता वो आवाज़ मुझे सुनाई देती ही रहती। जब वो काउंटिंग 5 लाख तक आई थी मेरा सोना मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था कान के पर्दों में कोई ज़ोर ज़ोर से इस आवाज़ को डाल रहा हो। जब वो काउंटिंग 1 लाख तक आ गई थी ना, तब सोना मुश्किल था। मैं भीड़ में शोर में भी उस आवाज़ को सुन रहा था जैसे कोई मुझसे खास काम करवाने को कहता हो। इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। मैंने माँ को कहा था मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं। माँ मुझे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गई थी और साइकेट्रिस्ट ने भी कहा था ये मूडी बच्चा है, ये अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रहा है। ना तो वो डॉक्टर ना मेरी माँ कोई समझ नहीं पाया था मुझे वो आवाज़ें क्यों सुनाई देती थी। लेकिन वो काउंटिंग 50,000 तक आई थी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। लगभग 6 महीने बीत गए थे और अब काउंटिंग यहाँ तक आई थी। इसके बाद मैं चीज़ों को तोड़ता, अपना सर दीवार पर मारता और माँ मुझे रोकने की कोशिश करती। मैं खुद को रोक नहीं पाता था। 7 महीने तक वो काउंटिंग 1,000 तक पहुँची थी और तब तक मैं पागल होने को था। गुस्सा इतना ज़्यादा, कैसे बंद करूं इस आवाज़ को, कैसे बंद करूं? मैं जब स्कूल भी जाता वहाँ भी गुस्सा आता और कई बच्चे जो मुझे तंग करते थे उन पर गुस्सा निकलता। ऐसे ही घर की तरफ जब मैं उस जंगल के बीच से आ रहा था वो बच्चा मुझे तंग करता जा रहा था। एक तो ये आवाज़ें, ऊपर से पीछे से पत्थर मार रहा वो बच्चा। मैं क्या करता, सारा गुस्सा उस पर निकला, खींच कर ले गया उसे जंगल की ओर। मुंह में मैंने बड़ा सा पत्थर घुसेड़ दिया था उसके सर पर, पत्थर मारता रहा। मैं मारता रहा तब तक जब तक वो मर नहीं गया। जब वो मरा कान में आ रही आवाज़ें बंद। मुझे लगा मैंने शांति को पा लिया है, जैसे बस यही काम था जिसके बाद वो काउंटिंग बंद होनी थी। मेरे पिता की मौत से वो काउंटिंग शुरू हुई थी और इस बच्चे की मौत से वो काउंटिंग बंद हुई, मुझे यही लगा था। लेकिन जब मैं घर पहुंचा, पूरी तरह से शांति में बैठा, वहां पर दोबारा कान में हल्की हल्की काउंटिंग की आवाज़, दोबारा काउंटिंग रीसेट होकर 10 मिलियन पर शुरू हो गई थी, फिर से पीछे की तरफ। फिर से वो काउंटिंग शुरू, और 3-4 महीने तो मुश्किल से निकले। जब 50,000 से नीचे काउंटिंग आ गई मैं गुस्सैल होने लगा। जब 7वां महीना शुरू हुआ मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था, मुझे पागल नहीं होना था, अब इसे रीसेट करने का वक्त था। फिर से मैं जंगल में घूमता रहा, किसी अकेले को ढूंढता रहा। एक लड़की मिली मुझे जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हुई थी। जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे वहीं पर छोड़ा, वो चलकर घर की तरफ जा रही थी और वहीं पर उसकी गर्दन में चाकू घोंप घोंप कर उसे मार दिया मैंने। इस तरह वो काउंटिंग बंद हो गई। जब मैं घर पर आया फिर से वो काउंटिंग शुरू 10 मिलियन से। अब मैं जान गया था 7 महीने तक वो काउंटिंग चलेगी, फिर से पीछे की तरफ, हजारों तक आएगी और उसे ख़त्म होते हुए देख नहीं पाऊंगा। मेरा सर फटने को आ जाता है, उससे पहले किसी को मारना होगा। अब 7 महीनों में मुझे एक कत्ल करना पड़ता और ये कान में आ रही वो आवाज़ के कारण था। मैं कातिल नहीं था, वो मुझसे कत्ल करवाता था। कौन, मैं नहीं जानता। वो काउंटिंग, वो 10 मिलियन से बैकवर्ड होती काउंटिंग मुझे तंग कर देती और मैं एक सीरियल किलर बन गया था। मुझे मारने में मज़ा नहीं आता, मैं मजबूर हो जाता। धीरे धीरे समय बीतता रहा और ये मेरी आदत हो गई। बस 7 महीने में निकलना, किसी को मारना और शांति को पा लेना, साधारण जिंदगी जीने लगा था मैं। इसके बाद मेरी शादी एक लड़की से हुई और मेरे एक बच्ची भी हुई।
मैं अपनी आदतों से छुटकारा नहीं पा सकता था। मुझे 7 महीने में निकलना पड़ता और मेरी बीवी को शक होने लगा था मैं कहाँ जाता हूँ। बहाना लगा दिया मैंने कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन अपनी बेटी को अपने से दूर जाने नहीं दे सकता था मैं। और अब धीरे धीरे मुझे लगा जैसे जब मैं कत्ल करता हूँ पुलिस वाले ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अब उस शहर में कत्ल करना मुश्किल हो गया था तो मैं अलग अलग शहरों में जाकर कत्ल करता। मेरी बेटी 8 साल की हो गई थी और अब भी मैं उससे दूर रहता। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैं उसे कैसे मार सकता था? जो मेरे करीब रहेगा मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। ज़्यादा समय करीब रहूंगा तो मारने की कोशिश कर सकता हूँ। एक बार मन किया था अपनी बीवी को मार दूँ, एक बार मन किया था अपनी बेटी को मार दूँ, फिर मुझे लगा उनसे दूर रहना अच्छा है। मेरी बेटी जहाँ होगी खुश होगी। और एक दिन आप जितने भी बड़े शैतान क्यों ना हो, आपकी बेटी की पुकार आपको बदल ही देती है। मेरी बेटी ने कहा था, पापा आप कहाँ रहते हैं? स्कूल का फंक्शन आता है और मैं आपको याद करती रह जाती हूँ। आप मेरे साथ क्यों नहीं रहते? पहले से मुझे आपकी याद आती है, आप मेरे साथ क्यों नहीं रह सकते? आपके साथ रहना चाहती हूँ, क्या आप खुद को बदल नहीं सकते? अब मैं अपनी वो एक्स वाइफ से भी क्या ही कहता, वो मुझ पर गुस्सा थी। मैं खुद को बदलना चाहता था और इस बार लगा कि मैं खुद को बदल कर ही रहूँगा। मेरे पास काफ़ी पैसे आ गए थे और मैंने एक ऐसे आदमी को हायर किया जो 7 महीने मुझ पर नज़र रखता। मैंने घर में खुद को कैद कर लिया। पहले 6 महीने तो बड़ी आसानी से निकले, 7वें महीने वो आवाज़ें मुझे पागल कर देती। मैंने उससे कहा था, मुझे छोड़ना मत, कुर्सी से बांध देना, चाहे मैं जो कहूँ मुझे छोड़ना मत। अंत में जब मैं पूरी तरह से सही हो जाऊँगा तब खुद ब खुद छूट जाऊँगा। 7वें महीने सच में वो काउंटिंग 1000 से नीचे आने लगी। सर फटने को हो गया था। वो मुझे खाना खिलाता चला जाता, मेरा मन करता उसे मार दूं, काउंटिंग बंद ऐसे होगी। उसने मुझे हथकड़ियां लगा रखी थी, मैं छूटकर कहीं नहीं जा सकता था। समय बीता, 500 से नीचे काउंटिंग, और मैं बस शैतान था जो खुद को मार सकता था। धीरे धीरे काउंटिंग जब 100 से नीचे गई मुझे कुछ याद नहीं। मैं पागलों की तरह, जैसे पागल कुत्ते होते हैं, वैसे किसी को काटने की कोशिश कर रहा था। बस उस कुर्सी पर पागलों की तरह छलांगे लगाना, बचकर बाहर निकलने की कोशिश करना। और उसके बाद मेरी जब आंख खुली, मुझे याद है मैं एक अस्पताल में था, वो आदमी मेरे सामने, और उसके बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला गया था। मुझे डॉक्टर ने कहा, तुम लगभग पागल हो गए थे, अब तुम सही हो। मेरे कानों में कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने अपनी जीभ काट डाली थी, मैंने अपनी बाजू काट डाली थी, मैंने जांग में दांत गड़ा दिए थे, मेरे शरीर पर कट के निशान थे, मैंने अपनी उंगलियां दांतों से काट कर तोड़ डाली थी, 3 उंगलियां बची थी मेरे दोनों हाथों में। और डॉक्टर ने कहा था, तुम्हें कोई दौरा वौरा पड़ा था और बताया गया कि तुमने ये हरकतें की। वो आदमी मेरे करीब आकर कहने लगा था, सर मुझे माफ़ करना, आपने जो कहा था मैंने वो किया। आपकी हालत बहुत ख़राब थी, सच बताऊं आप पागल हो गए थे। मैंने बड़ी खुशी से उसे गले लगाया और कहा, मैं जो चाहता था तुमने वो किया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं हैवान से इंसान बना हूँ, भले ही मुझे जितना नुकसान हुआ, मैं तुम्हारा धन्यवाद पूरी ज़िंदगी नहीं कर सकता। वो हैरान था, आखिर मैंने ये चीज़ क्यों मांगी थी। उसे मैंने पेमेंट की, वो वहाँ से चला गया। मुझे वो काउंटिंग सुनाई नहीं दी उसके बाद। मैं वहाँ से ठीक हुआ और अब सीधा अपनी बेटी के पास जाना चाहता था। मैं साधारण ज़िंदगी जीना चाहता था, मैं नहीं चाहता था वैसा सीरियल किलर बन के मैं जीऊँ। और जब मैं अपनी बेटी के पास पहुँचा, मेरी वो एक्स वाइफ मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। वो मुझसे काफ़ी प्यार करती थी, लेकिन मैंने उसे धोखा दिया था। मैं सीधा उसके पाँव में पड़ गया। मैं कहने लगा, कोई और लड़की नहीं थी, मैं बस भटक गया था, मैं नशे करने लगा था, मुझे लगा तुमसे दूर जाना अच्छा होगा। किसी तरह मैंने उसे मना लिया और वो खुश थी कि मैं वापस आ गया, अब मैं अपनी बेटी के साथ रह सकता था। मैंने अपनी बेटी की हर शौक को पूरा करने की कोशिश की। उसे पेंटिंग का बहुत शौक था, लेकिन वो पिछले 2 महीने से कुछ अजीब हरकतें कर रही थी। मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वो पेंटिंग में घुसी रहती है,
कानों में रुई ठूंस लेती है, किसी की बात नहीं सुनती। मैं अपनी बेटी के कमरे में गया था उस दिन। मैं उससे पूछ रहा था बिल्कुल शांति में, बताओ तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो? शायद तुम्हारे पापा तुम्हारे करीब नहीं थे इसलिए। तो वो कहने लगी, नहीं पापा, बात कुछ अलग है, मैं बताना नहीं चाहती। उसके बाद मैं अपनी बेटी की पेंटिंग्स देखने लगा और एक पेंटिंग बहुत अजीब, उसमें उसने खुद को बनाया हुआ था, बहुत ही अच्छा, लेकिन कान के पास एक बड़ा सा मुंह और पीछे धुआं, जैसे कोई उसके कान में कुछ बोल रहा हो। मैंने डरकर अपनी बेटी से पूछा, ये क्या बनाया है तुमने? वो कहने लगी, देखो पापा, किसी को बताना मत, मुझे काउंटिंग सुनाई देती है बहुत बड़े नंबर से, कोई 10 मिलियन, और मुझे तो पता भी नहीं कितनी काउंटिंग होती है, लेकिन आवाज़ धीरे धीरे जैसे बढ़ रही है, मुझे लगता है भगवान के नंबर हैं जो मुझे बता रहे हैं, इससे मैं काउंटिंग भी याद कर पा रही हूँ। वो काउंटिंग धीरे धीरे पीछे की तरफ आ रही है और आवाज़ ऊंची हो रही है। अब मुझे नहीं पता मुझे अपनी बेटी के साथ रहना चाहिए या नहीं। क्या अब मेरी बेटी भी वो बनने वाली है जो कभी मैं था?